श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हठ पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य मानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया है, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहीं तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती जी से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वो दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्ने में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सगुणों के धाम है।
पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य,
संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया, सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा करने वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तैलियां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए।